अरे यार, ये मकान मालिक है ना, फिर से टपक गया घर पे। घर की साला कहीं का पैसे वैसे तो है नहीं, कैसे देंगे किराया? तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? अरे कहाँ से, तुझे पता नहीं है क्या मैं क्या बाहर रहती हूँ, तेरे साथ ही तो रहती हूँ। यार मेरी तो अभी तक सैलरी नहीं आई, सैलरी आती तो इसके मुंह पे फेंक के मारती। अरे तो सैलरी छोड़, मुझे इधर उधर से भी मिल जाता ना तो भी मैं दे देती। अब क्या ही करूं यार। अरे सोमिया, अरे क्या चल रहा है? अभी तक किराए के पैसे निकलेंगे या नहीं? क्या क्या ये मासूम शकल बना के लेके क्यों आई हो तुम दोनों अपनी? वो साहब, दरअसल है ना, अभी मेरी पेमेंट आई नहीं है और इसकी भी नई जॉब लगी है, तो अब इसको भी पेमेंट आने में टाइम लगेगा। अरे पेमेंट नहीं आई है ना? अरे लेकिन मैं तो चल के आ गया 50 किलोमीटर से। अरे गुप्ता जी, आप बता के आते तो मैं इंतजाम करके रखती ना। बता के आता? अरे 12 तारीख को महीना लगता तुम्हारा और आज 30 तारीख आ गई और उसमें भी मैं बता के आऊं तुम लोगों को? अरे कुछ देने की कोशिश कर लिया करो। गुप्ता जी प्लीज, थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए, तब तक मेरी पेमेंट भी आ जाएगी और क्या पता इसकी पेमेंट आ जाए, इसकी अभी नई जॉब लगी है ना। वाह, 4 महीने का किराया बाकी है तुम दोनों पे, समझे? पैसे नहीं दिए जाते तुम लोगों से, लेकिन तुम्हारी स्टोरी है तो मैं चेक करता रहता हूँ। लड़के घुमाने के लिए तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन मकान मालिक को देने के लिए नहीं। अरे कुछ बिना बोले कहे सोच समझ के कभी कुछ दे दिया करो मुझे। गुप्ता जी, हम लड़कों को नहीं घुमाते, लड़के हमें घुमाते हैं। ओ तो ऐसे हो रही है तुम दोनों की अय्याशी है ना, तभी तुम दोनों की स्टोरी रोज बदलती रहती है, कभी क्लब में तो कभी बाहर और कभी कहीं और। घुमाने का मौका तो हम आपको भी दे सकते हैं, आप चाहें तब ना। अच्छा ये बताओ मुझे ये मौका कैसे मिलेगा? अरे गुप्ता जी, ये मौका तो मैं बताती हूँ ना कैसे मिलेगा। ओ कैसे कैसे, मुझे भी बताओ ना। अरे गुप्ता जी, ये घर भी आपका, हम भी आपके, जब चाहे मजे लो, बस किराए का नाम मत लो। अरे गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रही है वो, अब तो वो आपके मूड पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या लेना पसंद करोगे, किराया या फिर मजे। अब मुझे समझ आया कि बाहर के लड़के लड़कियों से कैसे मजे लेते हैं। खैर मैंने तो अपनी बीवी के सिवा किसी और को देखा नहीं, लेकिन आज तुम दोनों को देखा है ना तो अंदर से ना मेरे भी बुलबुले छूट रहे हैं फूटने के लिए। अरे गुप्ता जी, बुलबुले तो बहुत हल्के होते हैं, वो तो यूं फूट जाएंगे। अरे गुप्ता जी, किराया तो आप हर किराएदार से लेते हो, हमसे कुछ और ही ले लो। देखो मैं तुम दोनों से ये चीज़ लेने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन हाँ ये जो नीचे और ऊपर किराएदार रहते हैं ना, इनको कभी पता नहीं चलना चाहिए। अरे गुप्ता जी इस चीज़ों की तो टेंशन मत लो, ये दोनों भी हमारे कंट्रोल में है। हैं? इन दोनों के पतियों को हम दोनों ने फंसा रखा है। अच्छा, नीचे वाले को मैं हैंडल करती हूँ, ऊपर वाले को ये हैंडल करती है, और अब तुम दोनों मिलके मुझे हैंडल करोगी। हाँ लेकिन सुनो यार, मेरी बीवी तक ये बात कर। अरे गुप्ता जी क्यों टेंशन लेते हो, आपकी बीवी 50 किलोमीटर दूर रहती है, हम चू भी करेंगे ना वो भी उन्हें भनकने लगेगी। देखो ये बात मेरी बीवी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर उसे पता चल गया ना तो आज मैं तुम दोनों से जो किराए लेने आता हूँ ना कि कभी लेने नहीं आऊँगा, पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन वही है। अरे गुप्ता जी, मैंने आपसे कहा था ना किराए का नाम नहीं लेना, आपने फिर किराया घुसा दिया बीच में। अरे कुछ और घुसाइए ना बीच में। देखो इस महीने का तो मैं किराया माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने का किराया तुम दोनों को देना पड़ेगा। अरे गुप्ता जी, हम आपको इतनी अनमोल चीज़ दे रहे हैं, आपको किराए की पड़ी है? हमें क्या है, हम तो आपको किराया दे देंगे और अगले महीने खाली भी कर देंगे, फिर लेते रहना मज़े जिससे लेना है। देखिए गुप्ता जी, और अगर हम किराए भी देते हैं ना तो फिर आपको ये अनमोल चीज़ तो नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए, आपको अनमोल चीज़ चाहिए या फिर किराया। मतलब तुम दोनों यहाँ से जान ले
चले जाओगे? ऑफ कोर्स, अब आप हमारे किराए किराए करेंगे तो हम कहाँ से देंगे? देखिए मेरी तो पेमेंट आई नहीं, उस बिचारी की भी नई जॉब लगी है। आपको भी तो सोचना चाहिए ना गुप्ता जी, हम इतनी कीमती लड़कियां हैं जो आप पे निछावर होने के लिए तैयार हैं, और आप हैं कि बस किराया दे दो किराया दे दो किराया। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन मत लो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें नहीं देना ना किराया? नहीं देना ना? मत दो, कोई बात नहीं। गुप्ता जी, वैसे भी आपकी बीवी तो बहुत उम्र की हो गई है, और हम दोनों जवान लड़कियां मिली है आपको, और वो भी कुंवारी, सोच लो। और तो आपके अकाउंट में वैसे पैसों की कमी थोड़ी ना है, निकाल के दे दीजिए 50,000 रुपए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपकी बीबी को क्या पता चल रहा वो हमने दिए या आपने? ये तो बात है। और वैसे भी जो मजा हम दोनों देंगी ना, वो आपको अपनी बीवी से तो नहीं मिलता होगा। सोच लीजिए। बीवी से तो नहीं मिलता है। अब यही बातें करती रहोगी या फिर चल के मुझे मजे भी दोगी? चलो चलिए ना, गुप्ता जी का कल्याण करते हैं। चलो गुप्ता जी।